कंपनी का प्रोजेक्ट बन गया है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि इस समय आप सब अच्छे ही होंगे। और आज दिन की शुरुआत हो गई है, देख लीजिए गार्डन से। तो आज यह है सुबह के 6 बजे की क्लिप, यानी कि 6 AM सुबह मैं उठ गई हूँ और प्यारे प्यारे फ्लावर्स आए हुए हैं मेरे यहाँ पर पेड़ पौधों में, गार्डन में। शाम को मंकीज़ आए थे ढेर सारे, तो उन्होंने थोड़ा उत्पात मचाया हुआ था यहाँ पर, तोड़ के चले गए थे वो कुछ, बट ये सारे बच गए थे। और माहौल देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशनुमा बाहर सुबह के 6 बजे। ये वाले भी फूल आए हैं ढेर सारे। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे आनी का बनाना था लंच, यानी कि उसका टिफ़िन सुबह का और हमारा ब्रेकफास्ट भी। तो बस उसके लिए मैं पराठे और सब्ज़ी बना दे रही हूँ। पहले उसके लिए मैं बना करके सारा प्रिपेयर करके उसे दे दूँगी, और उसकी तैयारी भी मैं साथ ही साथ करवा रही हूँ। सुबह उठो तो मम्मियों का तो बस यही अब रूटीन बन चुका है। पिछले 2 सालों में सबने बहुत आराम किया, जब आपका चल रहा था कोरोना टाइम, यानी कि पेंडेमिक टाइम, कोई भी बच्चे जा नहीं पा रहे थे स्कूल, सारे के सारे घर से ही पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। बट उस समय भी बच्चों की पढ़ाई वगैरह जो है वो कंटिन्यूस थी। तो बस आगे अब मैं सुबह का काम कर लेती हूँ। तो आनी के लिए उसका टिफ़िन तैयार हो चुका है, तो बस पैक करके मैंने रोटियां, यानी कि उसके लिए पराठे बनाए हैं। मैं 3 पराठे बना लेती हूँ, एक वो खा कर के जाती है सुबह और 2 मैं पैक कर देती हूँ। शुरू के दिनों में वो खाती नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा बदमाशियाँ करते ही थी, आपको मैंने दिखाया ही है। और उधर मैंने गैस पे पानी भी चढ़ा दिया है गरम, उसे मैं पीने के लिए दे देती हूँ। वैसे पीना चाहती नहीं है, बट बहुत दूर उसे जाना होता है ट्रैवल करके, तो मैं चाहती हूँ कि वो कुछ खा ले और थोड़ा सा हॉट वाटर, वो गुनगुना सा पानी पी ले, ताकि पेट उसका अच्छा रहे, गैस वगैरह ना बने, क्योंकि बच्चों की सोने की जो आदतें बन गई थी, बट अभी तो सुबह में जल्दी ही उठना पड़ता है। तो इस तरह से पराठे गर्म रहे, इसलिए मैं उसे अच्छे से क्वाइल पेपर में रैप करके फिर टिफ़िन बॉक्स में देती हूँ। और बस टिफ़िन तैयार है, उसके बाद मैं उसका बैग पैक करूँगी और आने की तैयारियाँ करवाऊँगी। टिफ़िन पैक करने के बाद यहाँ मैंने एक एप्पल कट किया है। तो फ्रूट्स में आजकल मैं उसे जो भी सीजनली फूड
फ्रूट्स रहता है सॉरी, वो उसे मैं दे देती हूँ। तो एक एप्पल मैंने कट करके दिया है ताकि वो फर्स्ट वाले ब्रेक में उसे खा सके, और सारा टिफ़िन लंच बॉक्स है जो सब्जी, मैं उसे इस तरह से प्लास्टिक में रैप करके देती हूँ। प्लास्टिक तो अब वैसे अवेलेबल नहीं है, ये पहले की ही है जिसे मैं सेव करके रखा है मैंने, क्योंकि टिफ़िन में ऑयल पूरा बिखर सा जाता है और सारा टिफ़िन जो है वो ख़राब हो जाता है अगर आप ऑयली कोई भी चीज़ें देते हैं जैसे सब्जी वगैरह, और साथ में एक फ्रूट्स और उसकी वाटर बॉटल, सब कुछ मैंने तैयारी करके उसे दे दिया है। और इधर मैं आ चुकी हूँ उसकी चोटी बनाने के लिए, साथ ही आपको बात करती हुई नज़र आऊँगी। उसे मैंने बताया कि मैं आप उसकी शिकायत कर रही हूँ क्योंकि वो उठती नहीं है, बिल्कुल उठना चाहती नहीं है, बाल भी हल्के थोड़े से उसके बड़े हो रहे हैं। तो टीचर्स बोलते हैं कि चोटी करके आने के लिए, चोटी तो चोटी एक नहीं दो दो चोटी, तो बस मैं उसके बाल बना रही हूँ। और वही मैं आप लोगों से कंप्लेन लगा रही थी, बट क्या कहें, मम्मी तो मम्मी होती है ना, तो वो सब मैंने हटा ही दिया है। बस सुबह के गुस्से में आकर के मैंने जो भी कहा था उसे, बिल्कुल बात समझती नहीं है। सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए बच्चों को, बट हो सकता है कि थोड़े दिन बाद उसकी हैबिट हो जाए और वो जाने लगे अच्छे मन से। जाती तो है स्कूल, जाना उसे पसंद है, बट उठने में थोड़ी सी चूजी है वो। और बस उसके बाद मैं उसका बैग पैक कर दे रही हूँ, इधर उसे मैं घर से भेज दूँ गाड़ी, क्योंकि उसकी आने ही वाली है। तो आनी का प्रोजेक्ट बन गया है, रात भर उसने बैठ करके बनाया, बहुत रात हो गया था कल सोने में, बाप रे सुबह उठने में आज इतना परेशानी हुआ है। ब्यूटीफुल देखिए, उसने फ्लावर लगाया, सारा कुछ इसमें पेपर से ही बना हुआ है, हाँ सब पेपर से ही तैयार है ये, न्यूज़पेपर से। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स स्कूल में देते हैं तो आप लोग भी बना सकते हैं। इसके पहले मैंने वीडियो में डाली हुई है कि यानी कैसे तैयार कर रही थी ये, बट ये उसको सेकंड टाइम बनाना पड़ गया है क्योंकि मैम ने उसे डांट दिया। मैंने इसको आउटर और बैग रेडी है, टिफ़िन और बॉटल मैंने भर दिया है, और यहाँ उसका ब्रेकफास्ट भी हो रहा है। क्यों है ना, दिखाओ उसको, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको, मॉर्निंग। देखें तुम्हारा बास्केट, तो बस आनी को भेज देने के बाद मैं हस्बैंड के लिए तैयार कर रही हूँ नाश्ता, क्योंकि वो आकर के खा के चले जाएंगे कहा उन्होंने, तो उनके लिए मैं बैंगन की भुंजिया कर दे रही हूँ इस तरह से, हल्दी और नमक लगा करके, साथ ही पराठे भी बना दे रही हूँ। वैसे वो पराठे पसंद नहीं करते हैं, रोटी ही प्लेन खाना पसंद करते हैं, तो दो पराठे बना लूँगी, साथ ही एक दो रोटियाँ भी बना दूँगी, जो खाना चाहे वो खा सकते हैं, और साथ ही अपने लिए भी मैं थोड़ा नाश्ता बना लूँगी। रोटियाँ आपकी लग रही होगी आप लोगों को कि थोड़ी ज़्यादा सीख रही हैं, बट ज़्यादा सीख नहीं रही है, कैमरे में ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा है, बट ऐसा था नहीं। आनी को स्कूल भेजने के बाद घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, किचन क्लीनिंग करना, अपने लिए नाश्ता बनाना, नहाना, पूजा करना, उसके बाद आपको फिर दोपहर की भी काम हो जाती है। इधर सारा काम हो जाने के बाद इनको भी मैंने भेज दिया ऑफिस, उसके बाद मैं किचन में फिर से आ गई क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी। सारा क्लीन वगैरह करने के बाद ही फिर मैं नहाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा वगैरह करने चली जाती हूँ। तो बस ये काम मैं निपटा लूँ, उसके बाद मैं बाकी का काम कर लूँगी और अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी।
आप लोगों ने देखा पूजा की थोड़ी सी क्लिप, मैंने मंदिर को दिखा दिया आपको कि पूजा वगैरह मेरा हो गया था। खानी ये मैं बना रही हूँ रात के लिए, यानी कि दोपहर का लंच हमने कर लिया सिंपल सा ही, और ये रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो मैंने इधर प्याज लहसुन और आलू साथ में तड़के में इसमें राई और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया है। और ये आपको लग रहा होगा कि क्या है ये ग्रीन, तो ये है जो मैंने आपको दिखाई थी चौलाई का साग, जो कुछ दिन पहले हम दिखा रहे थे आपको कि मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो बस वही है, उसके जो स्टेम यानी कि उसके जो डंडे थे उनको हमने अलग कर दिया। और उसकी देखिए मैं एक सब्जी बना ले रही हूँ, उसके लिए साथ में मैंने ऐड किया है बैंगन। बैंगन मैं आपको काट करके दिखा रही हूँ, देखिए ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा था बट अंदर से वो कीड़े वाला ही है, इसलिए बाहर का खाना मुझे उतना पसंद भी नहीं आता है, खासकर जिसमें बैंगन हो। तो घर में अच्छे से मैं कट करके देख लेती हूँ छोटा छोटा, इसलिए मैं काटती हूँ हर चीज़ों को कि वो साफ़ होकर के पता चल जाए। कभी कभी टमेटोज़ में भी ख़राबी हो जाती है तो उनको भी हमको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। और सारा कुछ मैं यहीं प्लेटफॉर्म में ही कट कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा था मुझे। और सब्जी में मैंने ऐड किया है आलू और वो जो स्टेम थी चौलाई भाजी की, जो उसके डंडे जो होते मोटे वाले उनको छील करके मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था। और साथ ही मैंने उसमें पम्पकिन डाला है, यानी कि कुमड़ा, हमारे इधर उसे कुमड़ा ही कहा जाता है पम्पकिन को, छोटे छोटे पीसेस में कच्चे वाले जो पम्पकिन है। पके वाले आप मत ऐड करिए क्योंकि सब्जियां जो है वो मीठी हो जाती हैं। और ये बड़ी हैं आपको दिखाया मैंने, उनको मैंने तेल में पहले फ्राई करके रख लिया है। बड़ी मीन्स जो आप रखिया और उड़द दाल के साथ बनाया जाता है धूप में सुखा करके, बस वही है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। तो उसे मैंने पहले फ्राई करके गोल्डन ब्राउन अलग निकाल लिया है। और यहाँ मैंने देख लीजिए बस सिंपल से मसाले के साथ मैं इसे बना रही हूँ, धनिया जीरा हल्दी साथ ही लाल मिर्च का पाउडर, और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड की है 4-5, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें मिर्चें। और थोड़ा सा खसखस इसमें ऐड किया है। और इन बड़ियों को देखिए मैं कूटली से कूट लूँगी, आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी एक बार हल्का सा चला सकते हैं। इनको अगर हम कूट के बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर उसमें आ जाता है सब्ज़ी में, क्योंकि मैं इसे आज बनाने वाली हूँ सूखी सब्ज़ी, तो सूखी सब्ज़ी में तो ये अच्छे से गल जाए, इसलिए मैं हल्का सा देखिए इसे कूट करके बस सब्ज़ी में डाल दूँगी, ऐड कर दूँगी मसाले जब हम हल्के से फ्राई कर लें उसके बाद। और वेजिटेबल्स आप अपने हिसाब से भी इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या इसमें से स्किप कर सकते हैं जो आपको ना पसंद हो। और मसाले भी जैसे आप लोग अपने घर में खाना चाहें वैसे ही, ये सिंपल ही बनाने से ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ ही मैंने टमेटोस कट करके रखे, आपको तो दिखाया ही है। और ये हरी मिर्चें हैं गोल गोल मैंने काट करके रख ली मोटी मोटी, क्योंकि आनी खाती नहीं है वो अलग से निकाल देती है। और सॉल्ट मैं हमेशा टमेटोस के ऊपर ही डालती हूँ क्योंकि टमेटोज जो है वो सॉल्ट की वजह से बहुत जल्द गल जाती हैं। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद मैं आपको आगे दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या करने में बिज़ी हूँ। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके रेडी है। मैंने चावल भी चढ़ा दिया कुकर में और दाल मैंने दोपहर को ही बना दिया था। ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो मेरे घर में हैं, जो मैं लेकर के रखी हूँ। सब में धूल हो जाती बीच बीच में, तो मैं इनको इस तरह से वॉश करके अंदर में ही मैंने रख दिया क्योंकि दिन भर बारिश जो हो रही थी। और पॉट्स वगैरह सबको मैंने साफ़ करके इस तरह सूखने के लिए रख दिया है।
तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? आज यहीं तक है सब कुछ, इसके बाद मैं काम में और भी बिज़ी हो जाऊंगी। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और ये कपड़ों का ढेर आप लोग देख सकते हैं, ढेर सारे कपड़े मैंने आज धोए हैं, पूरे घर की साफ़ सफ़ाई की है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक है, भगवान जी को मैं पर्दा लगा देती हूँ क्योंकि रात हो गया है, इसके बाद हमने खाना वगैरह खा लिया। तो टाटा एंड बाय, गुड नाइट।